वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। स्वागत है आपका नेक्स्ट डोज के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश दुनिया के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक और फ्रेश एपिसोड। सबसे पहला और बड़ा अपडेट है एक बहुत ही फेमस पत्रकार की तरफ से। पत्रकार गौरी लंकेश के लेखन पर एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक का नाम आप याद रखें, इस पुस्तक का नाम है द वे आई सी इट। आगे आने वाले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि पत्रकार गौरी लंकेश के लेखन पर जो पुस्तक लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है। तो आप ये नाम याद रखें, ये नाम है द वे आई सी इट। आप जानते हैं पत्रकार गौरी लंकेश साउथ की एक बहुत ही फेमस पत्रकार थी जिनकी कुछ महीने पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साउथ कोरिया के साथ किया है एक एमओयू साइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन, कौशल विकास, संस्कृति और खेती के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया के साथ किया है एक एमओयू साइन। अब इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश और साउथ कोरिया। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल हैं 75 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अब प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में हैं। जी हां, अब 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में हैं। अभी तक 7 डिस्ट्रिक्ट थे जो एनसीआर में थे, अब एक और डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का एनसीआर में जोड़ा गया है जो है शामली। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आगे आने वाले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा जिला है जो एनसीआर में जोड़ा गया। तो आप ये नाम याद रखें, शामली। आपको उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम पता होना चाहिए। ये तो आखिर सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम है राम नायक। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। आपको उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो आप याद रखें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है कथक। अब देखते हैं साउथ कोरिया के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के मैप में साउथ कोरिया कहाँ है। वर्ल्ड के मैप में साउथ कोरिया है यहाँ पे, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया का फ्लैग कैसा है? साउथ कोरिया का फ्लैग है ऐसा। आपको साउथ कोरिया की कैपिटल पता होनी चाहिए। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। क्या है साउथ कोरिया की कैपिटल? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। क्या है? साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। साउथ कोरिया की लैंग्वेज है कोरियन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम है मून जे इन। क्या नाम है? मून जे इन। नेक्स्ट अपडेट है पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से। पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्र तट की साफ सफाई के लिए एक परियोजना लॉन्च की है। इस परियोजना का नाम आप याद कर लें क्योंकि आगे आने वाले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इस परियोजना का नाम पूछ लिया जाएगा। इस परियोजना का नाम है ब्लू फ्लैग। तो पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्र तट की साफ सफाई के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की है? ब्लू फ्लैग। नेक्स्ट अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है 25 दिसंबर और आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस। लेकिन आप ये भी याद कर लें कि 25 दिसंबर को ही होता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। और इनके जन्मदिन को भारत में मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। तो आपसे ये क्वेश्चन आगे आने वाले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 2004 तक रहे थे भारत के प्रधानमंत्री और इन्हें 2015 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अपडेट है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप में सी ब्रिज पर भारत का पहला हवाई मार्ग बनाया गया है। तो सी ब्रिज पर भारत का पहला हवाई मार्ग कहां बनाया गया है? यह आप याद कर लें, यह बनाया गया है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट अपडेट है बेंगलुरु से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु अपना खुद का लोगो प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसने अपना खुद का लोगो प्राप्त किया है। तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु का ये लोगो है जिसमें इंग्लिश और कन्नड़ में लिखा हुआ है बेंगलुरु।
अब इसमें आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धारमैया, और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है बजूभाई बाला। नेक्स्ट अपडेट है बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई के नए जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है सबा करीम जी को। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के नए जनरल मैनेजर कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं सबा करीम जी। नेक्स्ट अपडेट है पहलवान सुशील कुमार की तरफ से। सुशील कुमार को 55 लाख रुपए में प्रो रेसलिंग लीग के लिए खरीदा गया है। जैसे आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होती है, उसी तरह से प्रो रेसलिंग लीग के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, यानी कि पहलवानों की नीलामी हुई है, जिसमें पहलवान सुशील कुमार को सबसे महंगे पहलवान के रूप में खरीदा गया है, और इन्हें खरीदा है दिल्ली ने, यानी कि दिल्ली की टीम ने। और दिल्ली की टीम का नाम भी आपको पता होना चाहिए। प्रो रेसलिंग लीग में दिल्ली की टीम का नाम है दिल्ली सुल्तान। नेक्स्ट अपडेट है चाइना से। चाइना में खुला है दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल, और ये पुल है 218 मीटर की ऊंचाई पर, और इस पुल की लंबाई है 488 मीटर और इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। यानी कि ये पुल 488 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, जिस पर 500 लोग एक साथ जा सकते हैं। वैसे तो इस पर 2000 लोग जा सकते हैं, लेकिन इस पर एक साथ 500 लोगों को जाने की ही परमिशन दी गई है। तो आपसे आगे आने वाले किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला शीशे का पुल कहां खोला गया है, तो आप याद रखें ये खोला गया है चाइना में। अब आपको चाइना के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चाइना की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की मुद्रा आपको पता होनी चाहिए। चाइना की मुद्रा है रेनमिनबी। और चाइना के राष्ट्रपति का नाम भी आपको पता होना चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पत्रकार गौरी लंकेश के लेखन पर जो पुस्तक लॉन्च की गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।